नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मिनिलिमा प्रथमे नजर पकेबा हेडलाइन्स उपरे एसएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामला गुरंडी थाना ओआईसी ममता पंडा को जेरा करछि क्राइम ब्रांच सौम्य को चिकित्सा समय रे ममता को पारलाखेमुंडी मुख्य चिकित्सालय आसीबा को किए देथिला अनुमति एम्बुलेंस अटकाई बने चलीछि जेरा भुवनेश्वर आईआईटी केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान छात्रावास आवासिक हल सहित लेक्चर हल कम्प्लेक्स कले उद्घाटन भुवनेश्वर स्किल डेवलपमेंट इनिट्यूट्र करे लोकार्पण बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा रायगड़ा रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन में यात्रा करी यात्रियों सह कले आलोचना दलय कर्मी और नेतां सह करे बैठक आईन में परिणत होगा ओबीसी संरक्षण बिल राष्ट्रपति मुहर पर गैजेट नोटिफिकेशन प्रकाश एणिकी राज्यगुड़ी मिल पछुआ वर्ग को चिन्हट कर अधिकार चौबीस घंटे राज्य में 986 पॉजिटिव खोर्धार सर्वाधिक 373 और कटकु 47 आक्रांत सेपटे थमुनी कोरोना मृत्यु पुणी 69 जीवन नेला महामारी प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर उन्नतीकरण उपरे प्रधानमंत्री फोकस आज विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन सहित शिलान्यास करे मोदी पर्यटकों पर आरंभ हो समुद्र दर्शन पदयात्रा श्री पार्वती मंदिर भित्तिप्रस्तर स्थापन केन्दुझर घसीपुरारे पियोंको माड़मरा घटना केवे बंधाबे बद्रीपात्रंको पुओ टुटु पात्र सरपंचंको स्वामीको गिरफ परे जोर धरिछि आंदोलन बिजेडी विधायकंको पुओ बोली कण सबु माफ एवं शासक दलर गुंडाराज विधायकंको उपस्थितिरे सत्यवादी तहसिलरे अळुगुम एआरआईंको माड़ थाना एतला दे एआरआई निकुंज दास जतेण आक्षेप को नहीं आक्रमण अभोग कार्यानुषान दाबी से एकाठी हेले जिलार समस्त एआरआई एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामला क्राइमब्रांचर माराथन जेरा आरंभ गुरांडी थाना ओआईसी ममता पंडा को जेरा करछि टीम 12 तारीख रात एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र चिकित्सा समय ममता पंडा को पारलाखेमुंडी मुख्य चिकित्सालय आसवा को किए अनुमति देता 108 आंबुलांस को फॉरेस्ट गेट छक निकट अटकेबा घटना नहीं क्राइमब्रांच वर्तमान ओआईसी गुरांडी थाना ओआईसी ममता पंडा को जेरा करिपे पचराउचरा कर जहाँ कार्यक्रम रही सूचना मिलू भुवनेश्वर आईआईटी रे केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान 1260 कोटी रु अधिक टंकारे आईआईटी कैंपस रो भित्तिभूमि विकास करा जाउछे एक्रमरे द्वितीय पर्याय कैंपस रे निर्माण होइतिवा दुईटी बिल्डिंग छात्रावास ऋषिकुल आवासिक हल और पुष्पांजलि लेक्चर हल कम्प्लेक्स को श्री प्रधान उद्घाटन करछन्ती अवसर में आईआईटी पक्षर केन्द्रमंत्री को संवर्धना दि जाइथिला यापर केन्द्रमंत्री भुवनेश्वर स्किल डेवलपमेंट इनिट्यूट लोकार्पण करिवार कार्यक्रम रहिछि आईआईटी गोटे बड़ अनुष्ठान किछु वर्ष धरिकी भारत सरकार को द्वारा भुवनेश्वर रे आईआईटी स्थापना याकु विगत वर्ष रे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश समर्पित करिछंती
एठिकार कन्वोकेशन को भारतर राष्ट्रपति माने भी आगमन करछन्ती प्रणब मुखर्जी महाशय परवर्ती अवस्था रे रामनाथ कोविंद महाशय या द्वारा आईआईटी रो सामाजिक मर्यादा सह आईआईटी भुवनेश्वर जो गुणात्मक मर्यादा आज अच्छी समाज रे रैंकिंग रे भल जगह अच्छी ताको आहुरी ऊपर को नवापी एठिकार डायरेक्टर्स तथा तांको टीम करो सतत प्रचेषा अच्छी एठिकार स्टूडेंट मानकर भी अनेक संवेदनशीलता सह एमाने आकु जाउचंती आज मुठिक आसती शिक्षा विभाग दायित्व नबा परे मो पई एक गौरवर मुहूर्त आज थिला जे मु प्रथम थर करिकी गोटिए ओपन प्रोग्राम को आसली कोविड रो परवर्ती अवस्था रे धीरे धीरे जितले काम स्वाभाविक होउची आ सेटा संजोग ओडिसा मु आसली आ ओडिसा र आईआईटी राज्य गोटिए 800 बेड हॉस्टल आ गोटिए अत्याधुनिक अंतर्जातिक स्तर रो लेक्चर सेंटर जहार ना ऋषिकुल्य आ पुष्पगिरी नाम रे रखा जायछि ताकू लोकार्पण करिवार सुजोग मते एठि मिलिला बरुणेई रो पाद तले बकुल वन विद्यालय निकटरे चिलिका ह्रद कूल एक प्रकार ये मनोरम परिवेश रे ये आईआईटी गढ़ी उठी मुझे परामर्श दे आईआईटी रो बंधु मानक जातीय शिक्षा नीति को अनुसरण करी ओडिशा भारत तथा मानवतार आवश्यकता को केवल इंजीनियरिंग पढ़ेबा नुहे मल्टीडिसिप्लिनरी करिवारो परामर्श शिक्षा नीति दौची जातीय शिक्षा नीति दौची आगामी दिन रे मल्टीडिसिप्लिनरी करला बेले ह्यूमैनिटीज पढ़ेला बेले लिबरल आर्ट्स को पढ़ेला बेले मेडिसिन इत्यादि को एटी पढ़ेला बेले ओडिशार आवश्यकता को ओडिशार समस्या को आधार कर भाषा जोतरे गोटे प्रमुख विषय रहिबो जातीय शिक्षा नीति रे गोटे प्रमुख परामर्श भारतीय भाषा माने पढ़ेबा आम ओडिशा रे भी ओडिया भाषा रे किमती आईआईटी जोड़ी हबो तार भी परामर्श मुझे से मैंने भी से अनुसार योजना करेंगे आईआईटी आमर एकविंश शताब्दी गोटे नुआ देउल हबो बड़ मंदिर हबो ये आम शुभेच्छा। रायगड़ा रे पहुंचले केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव आज सका से हीराखंड एक्सप्रेस जोगे रायगड़ा रे पहुंचा पर बीजेपी कर्मकर्ता जिला प्रशासन और रेल विभाग पक्षर् व्यापक स्वागत संवर्धना दी जाएगी। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव समेत बीजेपी राज्य संपादक गोलक महापात्र राज्य उपसभापति भृगु बक्सी पात्र रायगड़ा पहुंची अवसर श्री वैष्णव एक दलय शोभायात्रा जा रायगड़ार अधिष्ठाती देवी माँ मझी घरणी दर्शन करार कार्यक्रम रही यापर स्थापित अपरपुत्र प्रतिमूर्ति पुष्पमाल्य अर्पण करेंगे। मंत्री सर्किट हाउस ठारे प्रधानमंत्री आवास योजना हिताधिकारी सहित आलोचना करेंगे। से पूर्वाह्न 10 जिलार वरिष्ठ बीजेपी नेता सहित संगठन संपर्क में आलोचना करेंगे। आज गुजरात प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन एवं भित्तिप्रस्तर स्थापन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से आयोजित होगा यह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सोमनाथ समृद्ध दर्शन पदयात्रा सोमनाथ प्रदर्शनी केन्द्र एवं नवीकरण होता अहल्लीबाई होलकर स्टेडियम उद्घाटन करेंगे। इस समय से श्री पार्वती मंदिर भित्तिप्रस्तर स्थापन करेंगे। तीर्थयात्री सुरक्षा तथा वर्धित क्षमता सहित समग्र पुरातन मंदिर कम्प्लेक्स को संपूर्ण रूपे पुनः निर्माण कर श्री पार्वती मंदिर निर्माण पर मोट 30 कोटी टंका खर्च करने को प्रस्ताव दी जाएगी। डिजिटल माध्यम रे केंद्र गृहमंत्री केंद्र पर्यटन मंत्री एवं गुजरात उपमुख्यमंत्री उपस्थित रहिबे। दृष्टि दी है पिछले 10 साल में लीलावंती अतिथि ग्रह महेश्वरी अतिथि ग्रह और सागर दर्शन अतिथि ग्रह जैसे आधुनिक सुविधा युक्त अतिथि ग्रह जिसमें 300 कमरे का निर्माण हुआ और ओबीसी बिल को राष्ट्रपति अनुमोदन 105वां संविधान संशोधन आईन को राष्ट्रपति मुहर बिल अनुमोदन होणिकी पछुआ वर्ग को चिन्हट करार अधिकार राज्यगुड़ी मिल सामाजिक और शिक्षा स्तर में पछुआ वर्ग को चिन्हट कर राज्य 11 2021 बिल संसद में पारित होता जहाँ को
राष्ट्रपति अनुमोदन मिली। शासक दलर गुंडाराज विधायकों उपस्थित में सत्यवादी तहसिल में अलगुम एआरआई को माड़ सत्यवादी विधायकों लोक माड़ मार्थिबा अभियोग होइछे। एने थाना एतला देछंती एआरआई निकुंज दास जातीयण आक्षेप को नहीं आक्रमण अभियोग होइछे। घटनार कार्यानुष्ठान दाबी में एकाठी होती जिलार समस्त एआरआई विधायक उमाकांत सामंतरायक उपस्थित में जातीयण आक्षेप कर माड़ मर जा अभियोग आक्रमण में विधायकों लोक संप्रक्त थिबा एतला देछंती एआरआई। ऑफिस कार्य सारी चारिटा साढ़े चारटा पाखापाखि मुझे आसी जोटा कि तहसिल कार्यालय किसी पट्टा थी मुझे रिटर्न करके आसती से कार्य सरलापर मुझ घर को जिते बड़े घर को जीप उद्यत होती से समय आमर तर शासक दल लोक मैंने जोटा कि आमर से तहसिलदार महोदय सहित कथा होते मुझे जो घर को आसुली से समय मत ये निकुंज जाऊँ कह मत टणाटा करके भिड़िकी ने तापर मु तहसीलदार चंबर को गली से मैंने सब सब कथा आलोचना हाँपर तापर विधायक महाशय कहले आपको बाहर नहीं छाड़ आसत लोक मान कहले लोक मैंने मत बाहर आड़ फल किसी उत्त्यक्त लोक मद्यपान कर लोक मत मत गईठा विधा आ मुंड को माड़ कले जापन तले पड़ जाइली आ जीवन विकल बचाप गाड़ी धरिकी पड़े आस सत्यवादी तहसिल में अलगुम एआरआई को माड़ मर जा अभियोग माड़ मारी विधायक उमाकांत सामंतराय समर्थक एवं जहां निजे अभियोग कर एआरआई एवं जहाँ को नहीं वर्तमान एफआईआर दि जाए संघ तरफ यार दृढ़ प्रतिवाद कर एसपी घटनार दृढ़ कार्यानुष्ठान संपर्क में जिलापाल अवगत कराई तेज मोटामोटी जी आम देखा बर्तमान जो भाई भाव में गुंडाराज बढ़ी चली खासकर देखिए आए दिन प्रत्येक दिन एभली घटना सामना को आसुच्छे किसी दिन आगुरी जब आम देखिए पीओ जे रही थे रामचंद्र नायक तांकु जो भाई भाव में माड़ मर जाता एवं घटना आएरआई को माड़ मार तेणु एभली घटना दिनकू दिन बढ़ी चली जातीयण आक्षेप को नहीं माड़ मर जा अभियोग तेणु ये घटनार केबे तदंत करा घटना को नहीं कौन कार्यानुष्ठान जापर रहा समस्त नजर कि घटना देखा मिली सत्यवादी अंचल जे रही एआरआई माड़ मर जा अभियोग होइछि। ए संपर्क रे रहिछन्ते हमर प्रतिनिधि संतोष रहिछन्ते। संतोष, प्रत्येक दिन अपन देखिबे राज्यर विभिन्न अंचल रु वर्तमान जो अभियोग आसुछि सामना को कि विधायकों समर्थक हो कि मंत्री समर्थक हो कि पुओ हो कि पाख लोक हो सरकारी कर्मचारी हूँ व साधारण जनता हूँ तापर आक्रमण एवं रोष बढ़ी चली कहीं घटना घटी खासकर सत्यवादी एआरआई को कहीं माड़ मरगला जातीयण आक्षेप कौन घटना घटला जो जातीयण आक्षेप करागला पूरा घटनाक्रम कौन रही बर्तमान एफआईआर पर कौन कार्यानुष्ठान निगला घसीपुरा परे एबे सत्यवादी सबुठ आश्चर्यकर कथा होची सरकारी कार्यालय भंगारुजा हेबा सहित माड़ मराजिबा भली सांघातिक अभियोग आसुची। गोटे पटे घसीपुरा पीओ विधायक एवं तांको पुओ और तांको पाख लोक माने माड़ मारिथवा अभियोग आणिबा परे एबे सत्यवादी एआरआई अभियोग आणिछंती जे शासक दलर नेता कर्मी तांको माड़ मारिछंती एवं सेतेबेले निजे तहसीलदार और विधायक उपस्थित थिले किंतु शासक दलर नेता कर्मींकर सांघातिक अभियोग जे सरकारी बाबू माने घर बांटिबा ठू नहीं सरकारी सहायता सुजोग पर्यंत सबुठी दुर्नीति करुछंती आउ ए अभियोग कलापरे निजे
सब व्यतिक्रम कर अजथा दोष लदुंच शासक दल कर्मी नेता मान सहित जोड़ विशेष भाव में विधायकों प्रतिनिधि आम सहित जोड़ आज्ञा एआर आई सांघातिक अभोग आपतर आपण आगे जे आपण मैंने मरणात्मक आक्रमण कले जाति आने आक्षेप कले एक कते दूर सत तहसिल अफिस भंगार जा मु तो आज्ञा आपण मानक एक कही रखी ये संपूर्ण भित्तिहीन एवं तहसिल अफिस्रे आपंकर सीसीटीवी फुटेज अच्छी से फुटेज की जांच करा जाओ निजर दोष दुर्बलता को लुचाई एआरआई और आरआई मैंने आज अभियोग आनी आम एडिशनल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अच्छा प्रेजेन्ट्रे आम प्रमाण देचु जो तहसिलदार थिले पूर्वर से किभली भाव में दुर्नीति करछन्ती आर आई मैंने कौन दुर्नीति करछन्ती आगे प्रेजेन्ट्रे प्रमाणित देचु प्रमाण दबारु से निजर दोषटा को लुचाइवाई आज से थाना एफआईआर करछन्ती आमे तो आपको कही रखू आप चैनल बोधे 15 दिन तले से ही तहसिल संपर्कित आज उठेला आम आज पुणी से कथा कही रखुचु जे फनीर जिते प्रकार दुर्नीति समस्त आर आई सत्यवादी जितेक आर आई मैंने अच्छा से बाबू मान निजस्व व्यवस्था देखे आपण मैंने जापर से बाबू मैंने आज जीत टकर गाड़ी घोड़ा चढ़ुं आपण मैंने से अनुमान करेंगे से आर आई मैंने केूर ये इंटरप्ट करी जे दौरान जो भद्र व्यक्ति जनक आप प्रतिक्रिया दौरान से जो मैंने एर आई रही कर्मचारी रही सीधा सड़क कहते जदि कौन प्रकार अभियोग से ना रही दुर्नीति नहीं कम भूल कर डिपार्टमेंटल इश्यूटा विभागीय अधिकारी को तो जन पारे से कार्यानुषान नहीं था हाथ कहीं उठागला माड़ कहीं मरागला सहीटा हूँ बड़ प्रश्न केवल से कथा आज्ञा जदि दुर्नीति हम ये कथा आप कहते ठीक अच्छे जे दुर्नीति करापी गोटे व्यवस्था अच्छे आपण को विधायक शासन रे अछंती आपण माने शासन काल रे अछंती आपण माने विधायकों पाख लोक आपण कथा रहिबा कथा नले आपण तांकु बदली करि पारथांते नले सेमानंकु विजिलेंस तदंत मध्ये करि पारथांते तांकु धरै पारथांते किंतु ये गंडगोल तहसील कार्यालय भंगारुजा ये सब आपण माने करछंती ना सेमानंकर किछु चक्र एक्चुअली से माने ही निजे करिके ये सब व्यवस्था करछंती आ आपण माने जो कथा रहले जे उच्च स्तरीय तदंत होबा कथा सेति पई तो माननीय अतिरिक्त जिलापाल आसथिले सत्यवादी तहसील के आसथिले एवं विधायक आसथिले उपस्थित आलोचना हेल्ब सफिसेंट आम समस्त कर्मी मैंने तथ्य सहित प्रमाण कर आपणकर आर आई मैंने पैसा नहीं लोकं जो लोक प्रजुज्य नुहे पाइबापाई जोगे आजिका दिन में हिताधिकारी पलिथिन तले टाणी रही पैसा नदबार एक जो मैंने पैसा दे आपर एर आई आर आई ए घर 95,000 टाँग प्रदान दुर्नीति कौ प्रकार रही जो आर आई मान कथा दुर्नीति कथ कहते दुर्नीतिर सीमा कौन दुर्नीति क्यों प्रकार घर राशन कार्ड ना कौन आज्ञा गोटे कथा हूँ जोठी आम 5T सरकार माननीय मुख्यमंत्री तदारख में जिते करागला पूरी जिले में जितने फनीर तदंत संपर्क आसला माननीय मुख्यमंत्री सीधासल कर्मी मानक निर्देश रहा ये कौन से प्रकार कहीं मुंड पुरेबे ना आज मनर अनेक असंतोष नहीं आम आज समस्ते बाहरी जितेबाला मुख्यमंत्री को सम्मान देकर आम माननीय विधायकों को सम्मान देखिए ये कथा आम समस्ते चुप रही आज आर आई मैंने जो भाई भाव में अनियमितता कर सत्यवादी से आम पाखे शह शह प्रमाण अच्छे आम भी चाहूँ कल अतिरिक्त जिलापा निश्चित एवं अतिरिक्त जिलापा अनुरोध भी कल कर कुछ आर आई को यथाशीघ्र सस्पेंड कर भंगारुजा कमी माड़मरा अभोग कहीं जाति आक्षेप कथा आर आई एर आई मैंने उठिले से बर्तमान संघ प्रश्न उठिले शासक दल कर्मी नेता देखु जहाँ माननीय विधायकों प्रतिनिधि सुनील कुमार पंडा कहले निहाती सत्य कथा से कहले जो आर आई मैंने दोष दुर्बलता लुचाईपी ये गोटे प्रयास आईपी कारण आम मु पेंठपड़ा ग्राम पंचायत 7 नंबर वार्ड सभ्य मुझे अनुभवी मो वार्डर दलाल से आर आई मान पाखे पहुँची पैसा दे से फनी पैसा आज पर्यटन मतलब पाई एमाने साधारण लोक गोटे पट्टा बा लीगल सर्टिफिकेट अप्लाई करे गला बळे एमाने दलाल साजिकरी निजे आर आई माने दलाल साजिकरी कहउछन्ती गोटे पट्टा पे एतिक टंका नबु आउ एमाने माड़ खाइबे योग्य ए माड़ जो खाइछन्ती किंतु एमाने साधारण लोक मानको उत्ते दे दिछन्ती
সেই মানে ভুল ক্রিয়েট করছেন যে মানে আমি বর্তমানে সেই মানুষ যে মানুষ টঙ্কা সেমানে নিয়েছিল সেই মানে হি তাঙ্কর উত্তে মাড় মাড় কালি হইছে না যে উত্তপ্ত লোক কালি মাড় সেমানক উপরে কিছু হইনি মাড় হইতাহান্তা যদি সেই মানে সাধারণ লোক আউ অনেক লোক অছন্তি যে মানক টঙ্কা খাইকি এই মানে আজ খসি হইছে ভঙ্গারোজা কালি সব কি করছে ভঙ্গারোজা সেই মানে ক্রিয়েট করছেন সে মানে শাসক দল লোক কেন করবে বিধায়ক সেমানক সহমত দিয়েছেন সব কর্মীকে যে বুঝিবা কোন হইছে তো অফিসর মানক তাঙ্কর সহ আলোচনা করিবা এ ভালো প্রস্তাব বিধায়ক দিয়েছেন কিন্তু ভঙ্গারোজা গন্ডগোল সে সময় কিছু সে সময় যা হয়েছে আপনার সিসিটিভি ফুটেজ দেখলে জাঁয়ে সেই মানে ভিতরে হি ক্রিয়েট করছেন সে মানে আজ্ঞা আম কাদুয়া পঞ্চায়েত মু কহিবি যে ঘরদ্বার ভাঙ্গিছি সে আজ পর্যন্ত পয়সা পাই না পাঁচ থর লাগে সে ইনকোয়ারি করছেন জন সেটি হবুলে এ আডিশনাল তহসিলদার সে নিজে বুলিকি দেখিছেন যে ঘর ভাঙ্গিলা সে পয়সা পাওয়া হকদার হলে যে পয়সা দিয়ে পারে সেমানকর পয়সা সে দিয়ে এই হচ্ছে তো রাজ্য গোটে আশ্চর্যকর কথা হচ্ছে যে রাজ্যব্যাপী সমস্ত কৌন যে সরকারি বাবু মানে পয়সা নৌকান কৌন শাসক দল নেতা নেবে বিধায়ক পর্যন্ত টঙ্কা যাব কিন্তু এ কথা আপনার গোটে ভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করছেন যে এটি আরআই মানে সরকারি অধিকারী মানে ডাইরেক্ট লোকঠু ঠকেই ভণ্ডাই পয়সা নৌ কথার কথা সত্যতা আছে ভাই মু গোটিয়ে সত্য কথা কহিবি মো জনে মানে উচ্চকোটির বিধায়ক আমি পাইছু যাহাকু সত্যবাদী মাটি এবে কুহে আপনার মানে দেখিথে স্বাধীনের বিধায়ক হয়েছিল মাননীয় উমাকান্ত সামন্তরায় আমি তাঙ্কু বহুত ধন্যবাদ দেবু সার জীবনের টঙ্কাটি কোটি এই ঘটনাকে নিয়ে এফআইআর করাইছি দৃঢ় কার্যানুষ্ঠান নিয়াযিব বলে মতো এসপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জেলাপাড় দৃষ্টি বি আকর্ষণ করাইছি অনেকগুলো এআরআই সংঘ মধ্যে এনে কার্যানুষ্ঠান নেওয়া দাবি করছি তো এই ঘটনা আগু কেউ মোড় নেছে এবং তদন্ত করা প্রকৃত দোষী কে কেবে চিহ্নট করে কোণ কার্যানুষ্ঠান নিয়ে যাচ্ছে তাপরে নজর ধন্যবাদ সন্তোষ রেখলাম প্রতিনিধি সন্তোষ জেনা কেন্দুঝর খসিপুরে পিওঙ্ মাড়মরা ঘটনা বিধায়ক বদ্রী পাত্রঙ্ক পুও টুটু পাত্রঙ্ক বিরোধে কেবে হব কার্যানুষ্ঠান সরপঞ্চঙ্ক স্বামীকু গিরফত করাগলা হলে এপর্যন্ত বিধায়ক বদ্রী পাত্রঙ্ক পুও তথা বিজেডি নেতা দেবাশিষ পাত্র ওরফ টুটু পাত্রঙ্ক গিরফ করেনি পুলিশ বিজেডি বিধায়কঙ্ক পুও বলে কোণ সবু মাফ আবাস পাই ধমক মিলুছি চাপ পড়ুছি বলে অভিযোগ করলে পিও কিন্তু ভিডিও কৌছন্তি সে জানি নাহান্তি সবু ঠিকঠাক চালিছি প্রশ্ন যদি সবু ঠিকঠাক তাহলে কাহিঁকি পিওঙ্কু মাড় হলা সেপটে সরপঞ্চঙ্ক স্বামী সুরেন্দ্র ভূঁয়াঙ্কু গিরফ করে কোর্ট চালান করছি ঘসিপুরা পুলিশ সুরেন্দ্রঙ্কু ঘসিপুরা গ্রাম্য ন্যায়ালয়ে হাজার করেছিল পুলিশ জামিন নামঞ্জুর হবার তাঁকু আনন্দপুর জেল পঠাযাই অন্যপক্ষে গতকাল ব্লকর সমস্ত কর্মচারী কার্য বন্ধ করে কলম ছাড় আন্দোলন করা সহ ধারণার বসলে আনন্দপুর এসডিপিও ঘটনাস্থলে পৌঁছি কর্মচারী সুরক্ষা প্রদান করা বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আন্দোলন ওহরলে কর্মচারী ইসিএফ সৌম্যরঞ্জন মহাপাত্র মৃত্যু মামলা ক্রাইমব্রাঞ্চর মারাথন জেরা আরম্ভ গুরণ্ডি থানা ওয়াইসি মমতা পণ্ডাঙ্ জেরা করছে টিম 12 তারিখ রাতে এসিএফ সৌম্যরঞ্জন মহাপাত্র চিকিৎসা সময় মমতা পণ্ডাঙ্ পারলাখেমুণ্ডি মুখ্য চিকিৎসালয় আসবা কি অনুমতি দিয়েছিল 108 আম্বুলান্স ফরেস্ট গেট নিকটে অটকাইবা ঘটনা নিয়ে ক্রাইমব্রাঞ্চর এ পচরাউচরা জারি রয়েছে যা সূচনা মিলছে এ সম্পর্কে অধিক সূচনা পাই রয়েছেন আম প্রতিনিধি জিতেন্দ্র বারিক জিতেন্দ্র যেতবে ওআইসি মমতা পণ্ডা আম্বুলান্স কাহিঁকি অটকাইলে আপনার মানে তাঁর প্রতিক্রিয়া নেওয়া চাইলে খাস করে সন্তোষ যেতবে তাঁর প্রতিক্রিয়া নেওয়া যাইলে গোটিয়ে কথা মমতা বারম্বার কহিলে কি মতো যদি উপরু মো উপরিস্থ অধিকারী নির্দেশ দিকে আপনার প্রতিক্রিয়া দেওয়া তাহলে মু দেবি কিন্তু দেখুন আজ ক্রাইমব্রাঞ্চ জেরা করা ডাকিছে এই ঘটনার তো কিছু বড় খুলাসা হয়ে পড়ে কি বিদ্যাভারতী সহ মমতা পণ্ডা এবং সৌম্য মৃত্যু মামলার এমানকর ভূমিকা কণ রয়েছে দেখন্তু নীলিমা পূর্বরু মধ্যে পুলিশ যেভাবে যেভাবে ঢঙ্গে তদন্ত করে আসুলে সমস্ত মনে প্রশ্ন লা যে সৌম্যরঞ্জন মহাপাত্র ন্যায় পাইবে তো কিন্তু ক্রাইমব্রাঞ্চ তদন্ত ভার হাতক নেওয়া পরে যেভাবে ভাবে তদন্ত করছি স্থান যে বন বিভাগ কর্মচারী মানুষ বারম্বার ডাকি পচরা উচরা করছি ঘণ্টা ঘণ্টা ধর পচরা উচরা করছি ষাঠিয়ে ঊর্ধ্ব প্রশ্ন পচারের পরে সে পাখু সত উগাড়া চেষ্টা মধ্যে করছি যে ষষ্ঠ যা সৌম্যরঞ্জন মহাপাত্র বাপা আশা রাখছেন 50% আশা রাখছেন যে সৌম্যরঞ্জন মহাপাত্র ক্রাইমব্রাঞ্চর সহযোগ ন্যায় মিপার কিন্তু ওআইসি মমতা পণ্ডা যে অনেক গুরাণ্ডি থানা ওআইসি আম্বুলান্স অটকাইয়া কথা কুয়া যে মেডিকালে থাকা কথা কুয়া যে সমস্ত দিগর সমস্ত মনে প্রশ্ন উঠুলা মমতা
ଅଭିଜ୍ଞତା ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଥାନା ଛାଡ଼ି ପାଳେ କେଉଁ ଥାନା ପରିଷଦକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା କିଏ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ଏ ମିଳିମିଶି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଳିମିଶି ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭାଇ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ହେଉଛି ନୀଳିମା ଗୋଟିଏ ଦେଖୁଥିଲେ ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ବହୁତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େଇ ତୋଳେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସତ ଗୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଜଗୁଆଳି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିବେ ଜଗୁଆଳି ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଘଟଣା ଘଟିବା ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାହେଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିଷଦକୁ ଆଣିବ କି ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି ନୀଳିମା ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଖାସ କରି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକାଗଲା ଜଣେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ 90-95% ତାଙ୍କ ଶରୀର ପଡ଼ିଯାଇଛି 15 ମିନିଟ୍ କାଳ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକାଗଲା ହୁଏତ 15 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଯଦି ଛଡ଼ାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିଥାନ୍ତା କାହିଁକି କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ କାରଣ ବାରମ୍ବାର ମମତା କହୁଥିଲେ କି ମୋତେ ଯଦି ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବି ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କିଏ ତାହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଏଇ ନେଇ ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କିଛି ବଡ଼ ଜେରା କରିପାରେ କି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଶା ରଖିପାରିବା ନୀଳିମା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୂର୍ବରୁ ମନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଗୁଆଳିଆ କଥା କୁହାଯାଉ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ କଥା କୁହାଯାଉ ଏସ୍ସିଏଫ୍ 2-2 ଏସ୍ସିଏଫ୍ଙ୍କ ଜେରା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 4-4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜେରା କରିଛି ନିଶ୍ଚୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ କିଛି ନା କିଛି ସୁରାକ ଲାଗିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପ୍ରଶ୍ନର ବାଣରେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ ଗୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 4-4 ଟିମ୍ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମମତା ପଣ୍ଡା ଯିଏ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାଳେ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ରାଇମ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାହାଠୁ ସତ ଗୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଦିନ କ୍ରାଇମ ମେଡିକାଲ ଆସିଥିଲେ ମମତା ପଣ୍ଡା ଏ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି ଦେଖିବାର କଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏ ଦିଗରେ କେତେ ଦୂର ସଫଳତା ପାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ କାହିଁକି ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ ଏନେଇ କିଛି ଖୁଲାସା ହେବ କି ତାପରେ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଧନ୍ୟବାଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ତାଲିବାନର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପର୍ବରତା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଘରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ନିକା ଏପରିକି ମହିଳାମାନେ ବୁର୍ଖା ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି ପାର୍ଲର ଆଗରେ ଲାଗିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଫଟୋରେ କଳା ବୋଳୁଛନ୍ତି ଏବେ ଭୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହାଜରା ଜାତି ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ତାଲିବାନର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପର୍ବରତା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଘରୁ ଘରୁ 12-45 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ନିକାହ ବୁର୍ଖା ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଫଟୋରେ ବୋଳୁଛନ୍ତି କଳା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହାଜିରା ଜାତି ଭୟ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଲିବେରାଲ ବର୍ଗ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ତାଲିବାନର ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିବାନ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଟିଏମ୍ସି ନେତା ୟଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦେଓବନ୍ଦର ମୁଫ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିବାନ ବଦଳି ଯାଇଛି ତାଲିବାନ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଏ ସମାନ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ କହୁଛି ତାଲିବାନୀମାନେ ସରିଆ ଆଳରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ବାରିକାମାନଙ୍କଠାରୁ ମହିଳା ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଜାରି ରହିଛି ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଲିବାନଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବିପଦ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରହିଛି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନିକାହ କରାଯାଉଛି ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେକ୍ସ ସ୍ଲେପ୍ କରାଯାଉଛି ନୂଆ ତାଲିବାନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଚିପା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବୁର୍ଖା ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡ ରହିଛି ସେହିପରି ଝିଅମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା କାମ କରିବା ତାଲିବାନ ପାଇଁ ହରାମ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖସି ନଯାଆନ୍ତୁ ତେଣୁ ଘରର ଆଲମାରିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁଟକେସ୍ ଯାଏଁ ତାଲିବାନୀମାନେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଲିବାନର ପ୍ରବକ୍ତା ଓ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ପିଆର କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ତାଲିବାନ ଶାସନରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ତାହା ତାଲିବାନର ଗତ କିଛି ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି
काबुले तालिबान शासन न आसीबा जे काम करथुवा महिला माने कहउछंती जेबे सेमनकु घरे रहिबाकु कहा जायछि केवल सेतिकि नै अफगानिस्तान रे अनेक स्थान रे ब्यूटी पार्लर लागिथिबा महिला मानको पोस्टर रे धळा रंग चढाई दिया जाउछि किबा तापरे कळा बळी दिया जाउछि। अफगानिस्तान प्रथम महिला मेयर जरीफा गफर कहिछंती जे तांकर सहायता करबा पई केहि नहंती से जानिछंती जे तालिबानी आसीबे ओ तांकु हत्या करिवे। अफगानिस्तान हजरा जातिर लोक माने अत्यंत भयभीत अवस्था रहिछंती एमाने सिया संप्रदायर तालिबान माने सुन्नी होइथिबारु सेमाने हजरा मानकु काफिर बोली माने करथांती। तालिबानी माने तांकर झियो मानकु जोर जबरदस्ती उठाइ नेउछंती। अफगानिस्तान वास्तविक स्थिति एपरि थिबा बळे पाकिस्तान थारु चीन जाय एपरिकि भारत थिबा तांकर समर्थक माने तालिबान बदली जाइछि बोली जयगान करबा लागिछंती। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। प्लास्टिक आवर्जनारे उत्पादित होउछि इंधन तैल सफल करि देखाइछन्ती भुवनेश्वरटा थिबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मेकानिकल विभागर चारि जण शेष वर्ष छात्र छात्री सेमानकर ए नव सृजन को प्रोत्साहन मिलले या पेट्रोल डीजेल एवं किरोसिन रो विकल्प होइ पारिबो। एणिकि बर्ज्य ओ अदरकारी प्लास्टिकर व्यवहार कराजाइ उत्पादित होइपारिब इंधन एभळि एक प्रकल्प आरंभ करि सफलता पाइछन्ति राजधानीर चारि जण इंजीनियरिंग छात्र। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीट मेकानिकल विभागर शेष वर्षर चारि छात्र छात्री एभळि आविष्कारकु सामनाकु आणिछन्ति। एहाद्वारा प्लास्टिक द्रव्यकु व्यवहार करि पेट्रोल डीजेल भळि इंधन तैल उत्पादित सोमनाथ मंदिरर जो विभिन्न प्रकल्प रहिछि तार उद्घाटन करछन्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कार्यक्रम को भाषण भाई लोकसभा में मेरे साथी राजेश भाई सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री प्रवीण लहरी जी सभी श्रद्धालु देवी और सज्जनों मैं इस पवित्र अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ रहा हूं लेकिन मन से मैं स्वयं को भगवान श्री सोमनाथ के चरणों में ही अनुभव कर रहा हूं। मेरा सौभाग्य है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में मुझे इस पुण्य स्थान की सेवा का अवसर मिलता रहा है। आज एक बार फिर हम सब इस पवित्र तीर्थ के कायाकल्प के साक्षी बन रहे हैं। आज मुझे समुद्र दर्शन पथ सोमनाथ प्रदर्शन गैलरी और जीर्णोद्धार के बाद नए स्वरूप में जूना सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। साथ ही आज पार्वती माता मंदिर का शिलान्यास भी हुआ है। इतना पुनीत संयोग और साथ में सावन का पवित्र महीना मैं मानता हूं ये हम सबके लिए भगवान सोमनाथ जी के आशीर्वाद की ही सिद्धि है। मैं इस अवसर पर आप सभी को ट्रस्ट के सभी सदस्यों को और देश विदेश में भगवान सोमनाथ जी के करोड़ों भक्तों को बधाई देता हूं। विशेष रूप से आज मैं लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में भी नमन करता हूं जिन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने की इच्छा शक्ति दिखाई। सरदार साहब सोमनाथ मंदिर को स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भावना से जुड़ा हुआ मानते थे। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आजादी के 75वें साल में आजादी के अमृत महोत्सव में हम सरदार साहब के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर को
नई भव्यता दे रहे हैं। आज मैं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक कितने ही मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। प्राचीनता और आधुनिकता का जो संगम उनके जीवन में था, आज देश उसे अपना आदर्श मान करके आगे बढ़ रहा है। साथियों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर कच्छ के कायाकल्प तक पर्यटन से जब आधुनिकता जुड़ती है तो कैसे परिणाम आते हैं गुजरात ने। सीधासल जीवा केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कार्यक्रम को आज से आईआईटी गस्त करते ऋषिकुल्या जहाँ रही आवासिक हॉस्टल उन्मोचन करा सहित दक्षता विकास प्रतिष्ठान जो भुवनेश्वर कार्यक्रम रही से इनॉग्रेशन कार्यक्रम में जोग देते अनेपटे लेक्चर श्री ए वी पंडित जी सुप्रभातम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नवीन बाबू पटनायक ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट श्री धर्मेंद्र जी प्रधान ऑनरेबल मिनिस्टर MOPNG श्री हरदीप सिंह पुरी चेयरमैन एंड डायरेक्टर HR ऑफ IOCL डायरेक्टर SDI ऑल द अदर ऑनररी मिनिस्टर्स एंड एमिनेंट पॉलिटिकल luminaries involved in today's function and director ICT IOC professor Thorat. I'm very happy to be part of this august function involving two important human development activities, one hands on skill and second the scientific concepts required and practiced during those skills. The two institutes involved in these two activities such as Skill Development Institute in the former and science and research being looked into by ICT IOC center are indeed complementary to each other and brings out a lot of synergy. Skill development teaches you how to do things effectively and efficiently, whereas ICT IOC teaches what is the science behind it and why it is to be done that way, and also how one can optimize and improve it further. Inaugurating these two institutes on the same day is like what we call it in Maharashtra, Dugdha Shankara Yog, that is milk and sugar coming together, making it complete. I am sure there is an ODI equivalent to that. Unfortunately, I don't know. On this occasion, ICT IOC gives its total commitment to support both these activities, as we genuinely believe it to be complementary and thus will bring about a sea change in the local growth, progress and associated prosperity. The region needs employment creators rather than employees to bring about this desirable progress, and I'm sure both these institutes will work towards common agenda and goals, making Bhubaneswar and region the smartest of all. I take this opportunity to thank Honorable Chief Minister and his team for making ICT IOC available the allotted land for the new campus, and Honorable Shri Dharmendra Pradhanji for personally driving this project with total assistance coming from विशिष्टासलोक जीवा प्रधानमंत्री कार्यक्रम को सोमनाथ मंदिर विभिन्न प्रकल्प ने अभिभाषण रखुचंदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो मानवता के मूल्यों की घोषणा कर रहा है, एक ऐसा स्थल जिसे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने प्रभास क्षेत्र यानी प्रकाश का
ज्ञान का क्षेत्र बताया था और जो आज भी पूरे विश्व के सामने ये आह्वान कर रहा है कि सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितने भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। साथियों, हम सभी जानते हैं सोमनाथ मंदिर की पुनर्निर्माण से लेकर भव्य विकास की ये यात्रा केवल कुछ सालों या कुछ दशकों का परिणाम नहीं है, ये सदियों की दृढ़ इच्छा शक्ति और वैचारिक निरंतरता का परिणाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कमा मुंशी जैसे महानुभाव ने इस अभियान के लिए आजादी के बाद भी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन आखिरकार 1950 में सोमनाथ मंदिर आधुनिक भारत के दिव्य स्तंभ के रूप में स्थापित हो गया। कठिनाइयों के सौहार्दपूर्ण समाधान की प्रतिबद्धता के साथ आज देश और आगे बढ़ रहा है। आज राम मंदिर के रूप में नए भारत के गौरव का एक प्रकाशित स्तंभ भी खड़ा हो रहा है। साथियों, हमारी सोच होनी चाहिए इतिहास से सीखकर वर्तमान को सुधारने की, एक नया भविष्य बनाने की। इसलिए जब मैं भारत जोड़ो आंदोलन की बात करता हूं तो उसका भाव केवल भौगोलिक या वैचारिक जुड़ाव तक सीमित नहीं है, ये भविष्य के भारत के निर्माण के लिए हमें हमारे अतीत से जोड़ने का भी संकल्प है। इसी आत्मविश्वास पर हमने अतीत के खंडहरों पर आधुनिक गौरव का निर्माण किया है, अतीत की प्रेरणाओं को संजोया है। जब राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ आए थे तो उन्होंने जो कहा था वो हमें हमेशा याद रखना है। उन्होंने कहा था, सदियों पहले भारत सोने और चांदी का भंडार हुआ करता था, दुनिया के सोने का बड़ा हिस्सा तब भारत के मंदिरों में ही होता था। मेरी नजर में सोमनाथ का पुनर्निर्माण उस दिन पूरा होगा जब इसकी नींव पर
विशाल मंदिर के साथ ही समृद्ध और संपन्न भारत का भव्य भवन भी तैयार हो चुका होगा। समृद्ध भारत का वो भवन जिसका प्रतीक सोमनाथ मंदिर होगा। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये सपना हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, हमारे लिए इतिहास और आस्था का मूल भाव है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारे यहां जिन द्वादश ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है उनकी शुरुआत सौराष्ट्रे सोमनाथम, सौराष्ट्रे सोमनाथम के साथ सोमनाथ मंदिर से ही होती है। पश्चिम में सोमनाथ और नागेश्वर से लेकर पूरब में बैद्यनाथ तक, उत्तर में बाबा केदारनाथ से लेकर दक्षिण में भारत के अंतिम छोर पर विराजमान श्री रामेश्वर तक, ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत को आपस में पिरोने का काम करते हैं। इसी तरह हमारे चारों धामों की व्यवस्था, हमारे शक्ति पीठों की संकल्पना, हमारे अलग अलग कोनों से अलग अलग तीर्थों की स्थापना, हमारी आस्था की ये रूपरेखा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की ही अभिव्यक्ति है। दुनिया को सदियों से आश्चर्य होता रहा कि इतनी विविधताओं से भरा भारत एक कैसे है, हम एकजुट कैसे हैं। लेकिन जब आप पूरब में हजारों किलोमीटर चलकर पूरब से पश्चिम सोमनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को देखते हैं, या दक्षिण भारत के हजारों हजार भक्तों को काशी की मिट्टी को मस्तक पर लगाते देखते हैं, तो आपको यह एहसास हो जाता है कि भारत की ताकत क्या है। हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझ रहे हैं, वेशभूषा भी अलग, खान पान की आदतें भी अलग, लेकिन हमें एहसास होता है हम एक हैं। हमारी इस आध्यात्मिकता ने सदियों से भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में, आपसी संवाद स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है और हम सभी का दायित्व है इसे निरंतर मजबूत करते रहना। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत के योग, दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी में भी अब अपनी जड़ों से जुड़ने की नई जागरूकता आई है। इसलिए हमारे टूरिज्म और आध्यात्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को आकार देने के लिए देश आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित कर रहा है। रामायण सर्किट का उदाहरण हमारे सामने है। आज देश दुनिया के कितने ही राम भक्तों को रामायण सर्किट के जरिए भगवान राम के जीवन से जुड़े नए नए स्थानों की जानकारी मिल रही है। भगवान राम कैसे पूरे भारत के राम है, इन स्थानों पर जाकर हमें आज ये अनुभव करने का मौका मिल रहा है। इसी तरह बुद्ध सर्किट पूरे विश्व के बौद्ध अनुयायियों को
भारत में आने की, पर्यटन करने की सुविधा दे रहा है। आज इस दिशा में काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही हमारा पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत 15 अलग अलग थीम पर टूरिस्ट सर्किट्स को विकसित कर रहा है। इन सर्किट से देश के कई उपेक्षित इलाकों में भी पर्यटन और विकास के अवसर पैदा होंगे। साथियों, हमारे पूर्वजों की दूरदृष्टि इतनी थी कि उन्होंने दूर सुदूर क्षेत्रों को भी हमारी आस्था से जोड़ने का काम किया, उनके अपनेपन का बोध कराया। लेकिन दुर्भाग्य से जब हम सक्षम हुए, जब हमारे पास आधुनिक तकनीक और संसाधन आए, तो हमने इन इलाकों को दुर्गम समझकर उसे छोड़ दिया। हमारे पर्वतीय इलाके इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन आज देश इन पवित्र तीर्थों की दूरियों को भी पाट रहा है। बाबा केदारनाथ का विकास हो या उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए कठिन पहाड़ों में टनल और हाईवे का निर्माण हो, वैष्णो देवी मंदिर के आसपास विकास हो या पूर्वोत्तर तक पहुंच रहा हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आज देश में अपनों से दूरियां सिमट रही है। इसी तरह 2014 में देश ने इसी तरह तीर्थ स्थानों के विकास के लिए प्रसाद स्कीम की भी घोषणा की थी। इस योजना के तहत देश में करीब करीब 40 बड़े तीर्थ स्थानों को विकसित किया जा रहा है, जिनमें 15 प्रोजेक्ट्स का काम पूरा भी कर लिया गया है। गुजरात में भी 100 करोड़ से ज्यादा के 3 प्रोजेक्ट्स पर प्रसाद योजना के तहत काम चल रहा है। गुजरात में सोमनाथ और दूसरे टूरिस्ट स्पॉट्स और शहरों को भी आपस में जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोशिश ये कि जब पर्यटक एक जगह दर्शन करने आए तो दूसरे पर्यटक स्थलों तक भी जाएं। इसी तरह देश भर में 19 आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की पहचान कर आज उन्हें विकसित किया जा रहा है। ये सभी प्रोजेक्ट्स हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री को आने वाले समय में एक नई ऊर्जा देंगे। साथियों, पर्यटन के जरिए आज देश सामान्य मानवी को न केवल जोड़ रहा है बल्कि खुद भी आगे बढ़ रहा है। इसी का परिणाम है कि 2013 में देश ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जहां 65 स्थान पर था, 65th, वही 2019 में 34 स्थान पर आ गया, 34th। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश ने इन 7 सालों में कई नीतिगत फैसले भी किए हैं, जिनका लाभ देश को आज हो रहा है। देश ने ई वीजा रिजिम, वीजा ऑन अराइवल जैसी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया है और वीजा की फीस को भी कम किया है। इसी तरह टूरिज्म सेक्टर में हॉस्पिटैलिटी के लिए लगाने वाले जीएसटी को भी घटाया गया है। इससे टूरिज्म सेक्टर को बहुत लाभ होगा और कोविड के प्रभावों से उबरने में भी मदद मिलेगी।
कई फैसले पर्यटकों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर भी किए गए हैं। जैसे कि कई पर्यटक जब आते हैं तो उनका उत्साह एडवेंचर को लेकर भी होता है। इसे ध्यान में रखते हुए देश ने 120 माउंटेन पीक्स को भी ट्रैकिंग के लिए खोला है। पर्यटकों को नई जगह पर असुविधा ना हो, नई जगहों की पूरी जानकारी मिले, इसके लिए भी प्रोग्राम चलाकर गाइड्स को ट्रेन किया जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी बन रहे हैं। साथियों, हमारे देश की परंपराएं हमें कठिन समय से निकलकर तकलीफ को भूलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमने देखा भी है, कोरोना के इस समय में पर्यटन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। इसलिए हमें अपने पर्यटन के स्वभाव और संस्कृति को लगातार विस्तार देना है, आगे बढ़ाना है और खुद भी आगे बढ़ना है। लेकिन साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम जरूरी सावधानियां, जरूरी बचाव का पूरा ख्याल रखें। मुझे विश्वास है इसी भावना के साथ देश आगे बढ़ता रहेगा और हमारी परंपराएं, हमारा गौरव आधुनिक भारत के निर्माण में हमें दिशा देती रहेगी। भगवान सोमनाथ का हम पर आशीर्वाद बना रहे, गरीब से गरीब का कल्याण करने के लिए हम में नई नई क्षमता, नई नई ऊर्जा प्राप्त होती रहे, ताकि सर्व के कल्याण के मार्ग को हम समर्पित भाव से सेवा करने के माध्यम से जन सामान्य के जीवन में बदलाव ला सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सोमनाथ। धन्यवाद आदरणीय। समय ची बुलेटिन को रखा। नमस्कार।